जियो के सहाफी और हामद मीर के जूनियर अजाज सैयद ने मुल्क के मशहूर मज़हबी रहनमा मौलाना तारक जमील की एक वीडियो शेयर करते हुए इन पर घटिया तनकीद की जो सोची समझी साजिश के तहत की गयी जबकि कुछ हजा कबल हमद मीर और पीपल्स पार्टी की शरी रहमान ने भी मौलाना तारक जमील पर तनकीद की थी हामिद मीर ने सहाफ़ी और शरी रहमान नेतों से माफी मांगने का मुताबा किया था और नून लीग की तरफ ऐसी भी इनके कई लोग ऐसी ही तनकीद करते रहे हैं इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ वही है जो एक माफिया करता है अपना मकसद हासिल करने के लिए ब्लैक मेलिंग पहले देखते हैं इस सहाफ़ी ने क्या कहा इस सहाफ़ी ने मौलाना तारक जमील की एक कई साल पुरानी वीडियो शेयर की जिसमें वो मबीना तौर पर किसी खातून से मुसाफा कर रहे हैं। अजाज सद ने इस वीडियो को शेयर करते हुए लिखा की मुझे मौलाना तारक जमील के इस लड़की ऐसी हाथ मिलाने आरोप एतराज नहीं अतराज ये है की मौलवी अपनी तबलीग के बिल्कुल उल्ट काम करता है अजाज सैयद ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा कि लोगों को ऐसे किरदारों की असलियत जानना चाहिए और पैरवी से ग्रेज करना चाहिए पाकिस्तानी फेक न्यूज नामी ट्विटर हैंडल से अजाज सैयद के बयान की मजम्मत करते हुए पैगाम जारी किया गया कि जिससे मौलाना तरक जमील हाथ मिला रहे हैं वो लड़की नहीं ख्वाजा है असलियत हमें इन पाकिस्तानी सहाफ़ियों की जानने की जरूरत है जो बग़ैर तहकीक के किसी पर भी इल्ज़ाम लगा देते हैं मौलाना तारक जमील तबलीग के लिए अक्सर मशहूर शख्सियात और फनकारों से मिलते हैं और वो इन्हें इस्लाम की जानब रागब करने के लिए मुलाकातें करते नजर आते हैं और इनकी तस्वीर वायरल होने आरोप सोशल मीडिया आरोप भी की जानब ऐसी रद्द अमल आता है मौलाना तारक जमील का इस हवाले ऐसी मुतद बार बयान सामने आया है की किसी से भी मुलाकात का मकसद तबलीग इस्लाम के अलावा कुछ भी नहीं होता साहफी अनुसार अब्बासी ने जवाब देते हुए वीडियो की ऐसी हकीकत बता दी कि आप भी मौलाना तारक जमील के मोतरफ हो जाएंगे माइक्रो ब्लॉगिंग वेबसाइट ट्विटर पर जब अजाज सयद ने मौलाना तारक जमील को तनकीद का निशाना बनाया तो अनुसार अबासी ने वीडियो की असल हकीकत बताते हुए कहा अजाज सैद साहब मुझे बताया गया है की मौलाना जिन हाथ मिला रहे हैं वो एक ख्वाजा सराह है जो माजी को छोड़ अब माशा तबलीगी जमात के साथ वाबस्ता है मुझे उम्मीद है आप तहकी करके मालूम करके ट्वीट करेंगे की दुरुस्त बात क्या है इल्जाम के, के बाद मौलाना तारक जमील ने भी एक ट्वीट में इस मुसाफे की वज़ात की और बताया की यह दरअसल एक ख्वाजा सरा है मौलाना तारक जमील की वजाहत आने के बाद सहाफी अजाज सैद ने अपनी पहली ट्वीट डिलीट कर दी और कहा की तारक जमील साहब ने वजाहत की है की इनसे हाथ मिलाने वाली लड़की नहीं महकनामी एक ख्वाजा सरा था इस वजह ऐसी मेरी गलत फहमी दूर हो गयी ख्वाजा सराओं के लिए काम करना एक बड़ा है इस हवाले ऐसी जनाब तारक साहब का एहतराम और अगर गलत फहमी में दिला हुई हो तो माजरत भी दोस्तों ये सब बिला वजह बगैर किसी मकसद के बिल्कुल नहीं सहाफी नून लीग और पीपल्स पार्टी माजी में भी मौलाना जमील सियासी फायदा लेने के लिए सर तोड़ कोशिश करती रही है बिलावल चाहता है की मौलाना बिलावल हाउस आए ताकि चेहरे आरोप पड़ी करप्शन की गर्द को कुछ साफ किया जाए मरियम नवाज चाहती है की मौलाना इसके सर पर हाथ रख दें लेकिन मौलाना इस सियासी लड़ाई से अपने आप को दूर रखे हुए हैं इन्हें पता है कि इमरान खान जैसे शख्स से मिलने पर भी इनकी इस मीडिया और सियासी मारवी सरमदों ने क्या हालत की थी और अगर ऐसे लोगों से मिले जो कि सर तक करप्शन ज्यादा हैं तो इनके लिए बिल बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा क्योंकि अक्सर तनकीद करने वाले अनपढ़ और जाहल होते हैं जिनको नहीं पता कि मौलाना तारक जमील सिर्फ और सिर्फ तबलीगी मकसद के लिए ही मिलते हैं मसला सिर्फ ये है कि मौलाना तारक जमील इंतहाई शरीफ इंसान है और तबलीगी जमात से वाबस्ता है अगर ये बातें पीपल्स पार्टी या इसी ने खलील रहमान कमर या किसी भी और मौलवी के बारे में कही होती तो इनकी अकल ठिकाने लग जानी थी एजाज सैयद के इस घटिया ट्वीट आरोप सोशल मीडिया आरोप श रद्द अमल देखने में आया मिलिया हाशमी ने कहा की जियो के एक रिपोर्टर ने आज मौलाना तारक जमील की एक ख्वाजा सरा शफकत ऐसी मिलने की तस्वीर को लड़की के साथ बेतकल्फी बनाकर पेश करके गलीज़ प्रोपेगंडा किया और जरदारी के खिलाफ वादा माफ गुआ असलम मसूद के इंतकाल की खबर को शाहिद मसूद के इंतकाल की खबर बना दिया खाश को खबर बनाकर जियो एक और सोशल मीडिया सार्फ ने कहा की पढ़कर दिल में आपकी इज्जत में जरा बराबर भी इजाफा नहीं हुआ अपने घटियापन के असरा ज़ाहिर करने के लिए आपको सलाह साल मेहनत करनी पड़ेगी एक और सोशल मीडिया एक्टिविस्ट ने कहा ऐसा करना किसी दिन मीर शकील का नाम लिख कर ट्वीट करना कोई तुम्हारी ट्वीट को देखेगा भी नहीं एक और सोशल मीडिया के मुताबिक ये हरकत कोई अनपढ़ और जाहिल करता तो ये ट्वीट करना बनता था आप खुद को सहाफी कहते हो और अपना ही काम नहीं जानते अव्वल तहकीक बात तशहर ये सहाफती असूल है जिससे आप जैसे जानकर भी अनजान है फिर रोना रोते हैं आजादी सहाफत आरोप कदगन है जरिया सोशल मीडिया सार्फ ने कहा की आज कल आपका काम यही है मौलाना साहब ने जब ऐसी इमरान खान के हक में दो तीन लफ्ज बोले हैं और मीडिया के कुछ लोगों के बारे में हकीकत बताई है तब ऐसी आपको मरचे लगी हुई है उदारा अपनी सहाफत की आड़ में दूसरों की पगड़ियाँ ना उछाला करें खालिद नसीर नामी एक सोशल मीडिया सार्फर ने कहा की गलती तस्लीम करना अच्छी बात है लेकिन वजाहत तारक जमील साहब ने नहीं ट्वीट के जवाब में पड़ने वाली गालियों से हुई है